الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين. दुनिया का हर एक शख्स वली हो नहीं सकता, दुनिया का हर एक शख्स वली हो नहीं सकता, हो जाए वली तो अली हो नहीं सकता। दुनिया का हर एक शख्स वली हो नहीं सकता, हो जाए वली भी तो अली हो नहीं सकता। क्या उसको पढ़ाएगा जमाने का जुनैदी, जिब्राइल भी उस्ताद अली हो नहीं सकता। दसवें हाजी भी थे और बारहवें मासूम भी थे। दसवें हाजी भी थे और बारहवें मासूम भी, बदमे इस्मत में यही चौथे अली कहलाए। दसवें हाजी भी थे और बारहवें मासूम भी, बदमे इस्मत में यही चौथे अली कहलाए। कितनी पाकीज़गी है पूरे अबू तालिब में, दसवीं पीढ़ी की भी औलाद न की कहलाए। वाह 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 वाह, खूने अबू तालिब में दसवीं पीढ़ी की भी औलाद नकी कहलाए। आपके मुनासिबत से एक वाक्य, और क्योंकि दोनों नमाज के बीच पढ़ चुका, बस एक वाक्य। इमाम अलैहि सलाम का एक जानने वाला था जिसका नाम था यूनुस। इनका काम था नगीनों पर नक्काशी करना। बादशाह ने इनको एक नगीना दिया कि इस पे नक्काशी करके ले आओ, लेकिन इत्तेफाक से इनसे वो नगीना टूट जाता है। अभी परेशान होते हैं, घबरा कर इमाम के पास आते हैं। इमाम, अब मेरी खैर नहीं है, मेरी कुछ वसीयतें हैं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। कहा, बात क्या है? कहा, ऐसी ऐसी बात है। इमाम ने फरमाया, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल जब तुमको दरबार में बुलाया जाएगा तुम आराम से दरबार में चले जाना। अब ये इमाम की बात सुन करके वापस हो गए। सुबह हुई, दरबार में बुलाया गया। बादशाह ने कहा, मेरे बच्चों में इख्तलाफ हो गया है, मैं चाहता हूँ उन नगीनों को दो हिस्सों में तकसीम। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। जैसे ये सुनना था, ये खुशी से झूमे कि अगर हुकूमत कहर व गज़ब का मुजाहरा भी करना चाहे और इमामत बचाना चाहे तो उसे कोई रोक। बेशक बेशक। और क्यों ना हो, ये तो दुनिया का दरबार है। ये मासूम वो हैं जो दरबारे खुदावंदी से अज़ाबे आखिरत से भी बचा लेते हैं। बेशक बेशक। करने की तौफीक अता फरमा। बार इमाम के बहु
आदेश फरमाए और हम सबको उनके आवाज़ में शामिल।